Is it true that if a person is in roza and he uses an earbud to clean his ear, his fast will be broken? And also, does wudu break if one applies eye drops to his eyes? मेरे पास किताब नहीं है, मैं ये गुमान कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा गुमान था उसके मुताबिक मौलाना शुएब ने मुझे मसला बारे शरीर से सुनाया। यहां पर बात यह है कि जो दवा या जो चीज लकड़ी हो, ईयरबड हो या बालपिन हो या कोई चीज जो डायरेक्ट जिस्म में कांच का सुराख हो या कोई और सुराख हो अंदरूनी, उसमें जो डायरेक्ट पहुंच जाए और वो पहुंच करके वहां पर रह जाए, तो ये ऐसा ही है जैसे कि कोई हुक्ना दे। अगर हुक्ना देगा तो रोजा फासिद हो जाएगा। इसी तौर पर जो दवा वगैरह डायरेक्ट जौफ में जो पहुंचती है तो वो रोजा को फासिद कर देगी। और अगर सूरत यह है कि उसका एक सिरा हमारे हाथ में है और दूसरा सिरा उसका अंदर गया तो इस सूरत में रोजा फासिद नहीं होगा। और ईयरबड में सूरत यही होती है कि आदमी वो अपने कान में डालता है और उसके जरिए से सफाई करता है। अगर वो टूट करके कान के अंदर रह गया तो रोजा फासिद हो जाएगा। और यहां पर जो साहिब ने पूछा है, फर्क जानना चाहता है कि कान में दवा डाली या तेल डाला तो रोजा फासिद हो गया, और आंख में अंदर ड्रॉप डाले तो रोजा फासिद नहीं होता। हुक्म यही है कि आंख के अंदर जो ड्रॉप डालेगा उससे रोजा फासिद नहीं होगा। बरखिलाफ इसके कि अगर नाक में दवा उससे डाली और फिर उससे खींच ली और खींच करके वो हलक तक ले गया या दिमाग से चढ़ गई तो रोजा जो उस सूरत में फासिद हो जाएगा। फर्क यहां पर वही है कि ड्रॉप जो आंख में डालता है वो डायरेक्ट जिस्म में नहीं पहुंचता। अगर जो उसका मजा हलक में मालूम हो, क्योंकि वो दवा डायरेक्ट के ऊपर नहीं गई लिहाजा रोजा फासिद नहीं होगा, और जो दवा डायरेक्ट जौफ में जाती है उससे रोजा फासिद हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि कोई शख्स नहाया, अब जब नहाया तो उसकी ठंडक उसको अपने जिस्म के अंदरूनी हिस्से में मालूम हुई तो होना चाहिए कि रोजा फासिद हो जाए, लेकिन वहां फसा के रोजा का हुक्म नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह बसाम के जरिए से ये बुरूदत और ठंडक या पानी के जो अज्जा अंदर गए और उन्होंने जिस्म में ठंडक पैदा की तो ये डायरेक्ट जो है वो उसके जिस्म में नहीं गए। और यही हुक्म जो है इंजेक्शन का है कि इंजेक्शन जो रग में लगाया जाता है और उससे रग के जरिए से दवा जो है पूरे जिस्म में सरायत करती है तो वो रोजा को उससे रोजा नहीं जाएगा। और अगर कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया जैसे पेट वगैरह में लगा देते हैं कि फौरन जो है वो दवा जो उसके अंदर पहुंच जाती है उससे रोजा फासिद हो जाता है, ये फर्क है।